एस्ट्रो तक और यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, उनको नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे माननीय नितिन गडकरी जी की जन्म कुंडली, क्योंकि 23 मई आपके नज़दीक आ रहा है, 23 मई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कई अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी में नितिन गडकरी जी की कुंडली भी डिस्कस होनी चाहिए, क्या उनके कोई ऐसा योग है कि वो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। जैसा कि मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 23/5/2019 को जो रिजल्ट आएंगे उसमें एन इनिशियल से प्रधानमंत्री होने के चांसेस 99% हैं। अगर 0.01% में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री होगा पी इनिशियल से। अगर 0.001% में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम होगा पी इनिशियल से। तो एन और पी नाम से 23/5 को जो रिजल्ट आएंगे, एन या पी नाम से देश का प्रधानमंत्री होगा। एन नाम से जो हमारे पास रूलिंग पार्टी में जो हैं, तीन नाम जो हैं सामने आते हैं। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे आपके नितिन गडकरी जी हैं, और तीसरे जो स्ट्रॉन्ग कंपिटेंट हैं प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो हैं माननीय नीतीश कुमार जी। तो पहले हम नितिन गडकरी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। माननीय नितिन गडकरी जी की वृक्ष लग्न की कुंडली है। इनके केंद्र में सूर्य और शुक्र, द्वितीय भाव में मंगल, द्वादश भाव में चंद्रमा, केतु और बुध, छठे घर में इनके तुला का राहु है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का शनि, और चतुर्थ भाव में इनका जो है बृहस्पति है जो इनके राजस्थान को देख रहा है, जिसके कारण ये राजनीति में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। इनकी बृहस्पति की महादशा 22/3/2019 से शुरू हुई है और बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर और बृहस्पति का ही सूक्ष्म प्रत्यंतर जो है 4/7/2019 तक रहेगा। बृहस्पति का जो अंतर होता है ये पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता, टेंशन्स देता है, क्योंकि इनका जन्म जो है 27 मई 1957 का है। तो 23 को जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 27 को इनका जन्मदिन है, और 27 को जो इनका जन्मदिन है उस दिन इनका 62वां साल शुरू होगा, और उस वर्ष की मुंथा फोर्थ हाउस में और मुंथेश जो है स्वराशि से खड़ाष्टक योग बना रहा है। मुंथेश जो है स्वराशि से खड़ाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अष्टम मुंथा के कारण, फोर्थ हाउस की मुंथा के कारण पार्टी में खींचातानी होगी। मुंथेश स्वराशि से अष्टम होने के कारण स्वास्थ्य हेतु थोड़ा कष्टकारक होगा। मंगल राहु की तृतीय भाव में जो युति है उसके कारण इन पर के पी और एन इनिशियल के द्वारा जो आक्षेप होंगे वो असहनीय होंगे, जिससे इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए इनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, प्राकर्म भाव में राहु और मंगल का जो योग है उसके कारण के और पी इनिशियल के गुप्त शत्रु इनको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। चौथे घर की मुंथा जो है गृह सुख में भी कमी देती है, शारीरिक सुख में भी थोड़ा कमी देती है, और अनावश्यक वाद विवाद के कारण एक अननेसेसरी स्ट्रेस जो दिमाग में है वो स्वास्थ्य को खराब करता है। शनि केतु जो है इनके अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव में गोचर में शनि केतु होने के कारण
जो नवांश में शनि इनका बृहस्पति के साथ अष्टम में है, और गोचर में जब ये शनि केतु अष्टम में आ जाएगा तो इनको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, इनको मूत्र संबंधी कोई भी किसी तरीके के रोग से परेशानी हो सकती है। लेकिन अष्टम भाव शनि केतु का एक सबसे बड़ा जो है अच्छा फल ये है कि ये बहुत दीर्घायु करता है। इनको इस दौरान में स्टार्टिंग में जैसे ही इनका बृहस्पति शुरू हुआ है और नया साल जब चढ़ेगा इनका 62वां, तो इसमें इनको अपने लिए ज्योतिष द्वारा अपनी कुंडली का एनालिसिस करके इनको महामृत्युंजय जाप जरूर करवा लेना चाहिए, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, इनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस दिमाग पर नहीं लेना है जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर असर पड़े, क्योंकि शनि और केतु का योग अष्टम में है तो ये दीर्घायु देता है। लेकिन तब भी इनको जो है प्रिकॉशंस लेनी है, अननेसेसरी टेंशंस इनको नहीं लेना है। इनकी जो योगनी है वो संकटा में सिद्धा का अंतर होने के कारण जो 25/4/2018 से शुरू है और 15/11/2019 तक रहेगी, तो इसमें इनके लिए बहुत बढ़िया बोला जाएगा, इनको पार्टी में बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, उस रेस में ना तो ये खुद आगे बढ़कर आएंगे, क्योंकि ग्रह दशा कह रही है कि ये खुद ही इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा, इनको जो भी रिजल्ट प्राप्त होंगे, सुफल प्राप्त जो होंगे, वो 15/11/2019 से होंगे। तो इसका मतलब जो मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें इनकी जो शुरू की भूमिका होगी वो नवंबर के बाद अवश्य चेंज होगी, जो बहुत ही बढ़िया होगी नवंबर के बाद। तो इस तरीके से बृहस्पति इनका जो चतुर्थ भाव में है, जो आयेश है और अष्टमेश है, तो अष्टमेश पहले है उसके बाद आयेश है, तो बृहस्पति की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है। इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली अगर इनको शुगर है तो शुगर का बहुत ही ध्यान रखें। नमस्कार, आप बने रहिएगा एस्ट्रो तक में।